कांग्रेस द्वारा करनाल में शुरू किए गए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दी और अब जनता के बीच झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चला रही है। वहीं एलनाबाद सीट के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि पार्टी पूरे जोश के साथ एलनाबाद उपचुनाव लड़ेगी और उन्हें उम्मीद है कि जब पार्टी सेवा ही संगठन के नारे पर चल रही है तो रिजल्ट भी पार्टी के पक्ष में आएंगे। मंडियों में किसानों की फसलों की खरीद पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि सीएम और संबंधित विभाग के मंत्री इस मामले में काफी गंभीर हैं और उम्मीद यही है कि किसानों को कोई परेशानी किसी भी मसले पर नहीं आएगी चुकी है और पार्टी पूरे जोश के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नारे पर चल रही है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रही है, कांग्रेस किस तरीके से देखते हो? कांग्रेस तो आपने पता है कोविड की महामारी में कांग्रेस ढूंढी नहीं पाई, दर्शन नहीं हुए उसके। कोविड की महामारी में अगर कोई कार्यकर्ता दिखा को पार्टी दिखे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, तो दिखने का समय था तो कांग्रेस कहीं दिखी नहीं। और अब जो है कांग्रेस तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम सेवा ही संगठन, और कोविड की महामारी में दिखा भी दिया। बाकायदा बात हमारे एमएलए उधर के एमएलए भी अपने पार्टी अध्यक्ष से भी बात हुई है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, माननीय मुख्यमंत्री से भी। ये मैं कह सकता हूँ कि जो आम किसान है जिसने बाजरे की विजय की है, जो फसल जिसकी है, उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसका एक एक दाना से पानी होगा।